वेलकम टू दी वीडियो ऑफ द लिंगड इन सीरीज कोर्स और इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोगों ने प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसी में आप लोगों का माइंड सेट सेट होगा और आप लोगों की अप्रोच डिफाइन होगी कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सीरीज को कैसे लेना है अपनी प्रोफाइल को कैसे लेकर चलना है याद रखिएगा कि माइंड सेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दी ओवरऑल जो लिंगड इन के ऊपर हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले प्रोफाइल मैंने आप के सामने ओपन की हुई है स्टेप्स भी मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए देखें जब भी हम लिंक की प्रोफाइल की बात करेंगे ना और इसमें जब भी कुछ चेंजेस करेंगे या फिर कॉन्टेंट शेयरिंग करेंगे या कुछ स्टेप्स लेंगे तो आप लोगों ने इसको एज ए लैंडिंग पेज ही लेना है आपने ये समझना है कि क्लाइंट आपको यहाँ पर आने के बाद देखेंगे आपकी प्रोफाइल को देखेंगे और फिर उसकी बेस पे आपके साथ जो है वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे हमारा गोल ये होगा कि जो भी विजिटर हमारी प्रोफाइल के ऊपर आए वो उसको वाजे तौर पर आइडिया हो सके कि हम क्या सेल कर रहे हैं हमारी प्रोफाइल से या हम से उसको क्या फायदा हो सकता है हमने अपनी प्रोफाइल को एज ए लीड जनरेटर यूज करना है ताकि लोग हमारे साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें सो so, हमने अपने जितने भी विजिटर्स होंगे उनको लीड्स में कन्वर्ट करना है और फिर लीड्स से उनको क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना है, so, अब मैं आप लोगों को प्रोफाइल के ऊपर लेकर चलता हूं। और में जो होती है यहाँ पर आपसे ये ई पासवर्ड पूछेगा आप लोगों तो ने सिंपली से, से साइन अप कर लेना या फिर बहुत आसान है कि कंटिन्यू विद गूगल कर लेना जब आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो फिर आपसे नेक्स्ट स्टेप होगा की प्रोफाइल के बारे में पूछेगा और प्रोफाइल के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी फिर ताकि आप नेक्स्ट जा सके ये एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन होगी हमारी वीडियोज मल्टीपल बनेंगी की लिंक की प्रोफाइल के अंदर सेक्शन को कैसे कंप्लीट करना है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें क्लाइंट्स गेट करने में या फिर विजिटर्स को लीड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं ऑलराइट राइट right, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे साइन अप करने के बाद तो आपने इस बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, जब आप शो हो रही हो इस जो है वो मैं बताऊंगा और इनको कैसे फिल करना है राइटिंग कैसे करनी है ये सारा काम भी हम वन बाय वन करेंगे और इसके लिए टूल्स भी बताऊंगा कैसे करना है सबसे पहले लिंकड की प्रोफाइल में आता है हेडर इज समथिंग जिसकी जिसको देखते ही क्लाइंट को पता चल जाना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं आपको कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है और आप कौन कौन सी सर्विसेज फॉर एग्जांपल प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो इस वक्त मेरा जो पिक्चर आप देख रहे हैं इस वक्त जो मेरा आप हेडर पिक्चर देख रहे हैं वो इतना अच्छा नहीं है इसको हम कस्टमाइज करेंगे और मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपको कॉन्टेक्ट कैसे किया जा सकता है आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपकी एक जो कॉल टू एक्शन है वो क्या है वो सारा यहाँ पर मैंशन होना चाहिए इस हेडर में ये चीजें

कि आप आ, कैमरे की तरफ देख रहे हो ना कि साइड पोज हो थर्ड रूल इज़ कि आप सिर्फ शोल्डर्स तक अपनी पिक्चर को बनाएंगे एंड फोर्थ रूल इज़ कि आपकी बैकग्राउंड जो है वो क्लटर्ड नहीं होगी क्लीन होगी सिंगल कलर आप यूज़ कर सकते हैं आप बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा टूल्स आ गए हैं कैनवा की मदद से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अब अगर मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि वो सारे रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं कोशिश करें कि हाई डेफिनेशन पिक्चर अपलोड करें ये वाली जो पिक्चर है वो डीएसएल से बनी हुई है आप लोग आईफोन भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल कैमरा भी यूज कर सकते हैं दैट्स नॉट एन इशू और ये फ्रेम आपको जो एड हुआ हुआ नजर आ रहा है हायरिंग का ये मैंने मैनुअली एड किया है जब मैंने जॉब पोस्ट की तो वहां पर ऑप्शन आया कि आप ये हायरिंग का बैच भी लगा सकते हैं और टेम्परेरी है आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और कुछ देर के बाद ये रिमूव भी हो जाएगा इट्स गुड के इंडिकेशन दूसरों को मिल जाती है कि आप लोग हायर भी कर रहे हैं दर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग on your profile is your headline. अब ये जो हेडलाइन है ना इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ते ही आपके क्लाइंट के माइंड में आ जाना चाहिए कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके साथ कनेक्ट करने में आपको फॉलो करने में और ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप किसी आ, पोस्ट के ऊपर कमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपकी जो हेडलाइन है वो शो हो रही होगी आपके नेम के नीचे अगर आप कुछ पोस्ट करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपकी जो हेडलाइन है वो शो हो रही होगी और इसके अलावा ऑलमोस्ट हर जगह के ऊपर आपकी हेडलाइन हमेशा आपके नेम के साथ शो हो रही होगी जिसका मतलब ये है कि ये वाला मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब आ, कुछ रूल्स हैं कि आपने इस मैसेज को कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों के साथ लेटर ऑन आने वाली वीडियोज़ के अंदर शेयर कर दूंगा डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा आज मैं आप लोगों को डिफरेंट सेक्शन बताने वाला हूँ और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी प्रोफाइल पर हैश का इस्तेमाल किया हुआ है और बताया हुआ है कि मैं टॉक्स अबाउट And bla bla bla. ये कैसे होता है इसके लिए क्रिएटर मोड ऑन करना पड़ता है मैंने क्रिएटर मोड ऑन कर लिया है जिसकी वजह से मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएटर मोड क्या है कैसे ऑन करते हैं ऑब्वियसली हम इसके ऊपर बात करेंगे और राइट right साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मेरी जो अप अपलर्ट है उसका बटन शो हो रहा है मेरी लास्ट डिग्री का बटन शो हो रहा है जो करंट जॉब आप कर रहे हैं वो वो इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी कैसे सेट करते हैं वो हम लेटर ऑन अभी देखने वाले हैं और उससे नेक्स्ट है हमारे पास लोक शन जो करंट सिटी है वो आप सेट करेंगे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी नेक्स्ट हमारे पास फॉलोअर्स और कनेक्शंस का काउंट आ रहा होता है आपके पास प्रोबेबली फॉलोअर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा बिकॉज़ इस वक्त तक अभी तक शायद आप लोगों ने क्रिएटर मोड ऑन नहीं किया होगा ये कैसे लेके आते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कनेक्शंस और फॉलोअर्स में क्या फर्क है कनेक्शंस आर समवन जो कि आपको मैसेज कर सकते हैं डीएम कर सकते हैं फॉलोअर्स आपको डी नहीं कर सकते वो जस्ट आपकी जो पब्लिक पोस्ट होती हैं उनके ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं लाइक like कर सकते हैं डी वाली जो ऑप्शन है वो आ, सिर्फ कनेक्शन के पास आती है इससे नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल के ऊपर दैट इज़ द कॉल टू एक्शन बटन और आप देख रहे होंगे कि मेरे पास बुक एंड अपॉइंटमेंट का बटन शो हो रहा है आ, जो कि मेरे जितने भी विजिटर्स होंगे उन को यह बताएगा कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी अवेलेबल सपोज एक विजिटर है है जो कि मेरे साथ बात करना चाहता है और वो DM करेगा तो शायद मैं अवेलेबल ना हूं या फिर वो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता है कोई पार्टनरशिप डिस्कस करना चाह रहा है को डिस्कस करना चाह रहा है तो वो बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन अगर पिक करेगा तो यहां पर एक प्रॉपर तरीके से मीटिंग बुक कर सकेगा सो so, ये जो ऑप्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ आपके पास आ जाता है फोर्थ नंबर पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेडर इज इम्पॉर्टेंट आपकी प्रोफाइल पिक्चर मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड इज दी हेडलाइन जो आप कस्टम लिखेंगे और कैसे लिखनी है इसका फार्मूला क्या है मैं सेपरेटली बताऊंगा इसके बाद जो मोस्ट uh, इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ ना चीज आ जाती है दैट इज़ दी कॉल टू एक्शन मैंने यहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन चूज़ किया हुआ है बाय द वे मेरे पास लिंकड का प्रो वर्जन है. इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को लिंक पे ग्रो करने के लिए एक दो फीचर जो है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि हर बंदे की प्रोफाइल पर ये इनेबल होना चाहिए डेडिकेटेड वीडियो इस पे, इस पे बनेगी और कैसे सेटअप करना है लिंक कहां पर जाएगा लेकर सारी बात हम करेंगे नेक्स्ट है ओपन टू वर्क और प्रोवाइड सर्विसेज ये क्रिएटर मोड ऑन करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे प्रोवाइडिंग uh, सर्विसेज वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम अपना सर्विसेज पेज सेटअप कर सकते हैं क्लाइंट्स आकर हमें रिक्वेस्ट uh, कर सकते हैं अगर उनके पास प्रोजेक्ट है कैसे सेटअप करते हैं डिटेल में देखेंगे रिसोर्स में यहाँ पर देखें कि मेरे पास क्रिएटर मोड ऑन नज़र आ रहा है अभी आपने इसको ऑन नहीं करना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे ऑन किया जा सकता है इन चीज़ों के बाद आप लोगों के पास फीचर्ड सेक्शन का ऑप्शन आ जाता है और फीचर्ड सेक्शन का जो ऑप्शन है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने अपने विजिटर्स को लीड्स में या फिर क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर आपने वो वाली चीज़ें हाईलाइट करनी हैं जिनकी मदद से आपके जो विजिटर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि आप यहां पर फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं कि मैंने न्यूज़लेटर को विजिबल किया हुआ है और लोग मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने विजिटर्स को लीड्स में कन्वर्ट किया जब वो मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं उनको कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ मैं उन के साथ जो है वो रीच आउट कर सकता हूँ दैट इज़ दैट मीन्स दैट दैट इज़ दी लीड जनरेटर फॉर मी फॉर माय परफाइव सेकेंड नंबर पर मैंने बताया हुआ है कि मैं टॉप रेटेड प्लस फ्री लेंसर हूँ थर्ड नंबर पर मैंने बताया हुआ है कि मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं और कंसल्टेशन कोई करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है और कुछ आर्टिकल अब यहाँ पर सपोज आपने कोई आर्टिकल या लिंक ऐड करना है तो प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड ए न्यूज़ लेटर का भी ऑप्शन आ रहा है ऐड एन आर्टिकल ऐड ए लिंक का भी आ रहा है आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है हम डिटेल में देखने वाले हैं ये वाला ऑप्शन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से ही क्लाइंट्स है वो आपकी प्रोफाइल पर एक्शन लेंगे आपको सब्सक्राइब करेंगे आपकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो देख सकेंगे नेक्स्ट अगर आएँ तो ये एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है मतलब मैंने जो भी पोस्ट की है कमेंट किए हैं वीडियोज़ इमेजेस आर्टिकल जो भी मैंने शेयर किया वो यहाँ पर शो हो रहा होगा और फिर इसके अलावा ये अबाउट सेक्शन है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सर्च पॉइंट ऑफ व्यू सर्च कैसे काम करती है लोग कैसे सर्च करते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे देखेंगे प्रैक्टिकली मगर आप लोगों की जो अबाउट सेक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें आप लोग मेंशन करेंगे कि आप क्या करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बुलेट uh, पॉइंट्स में बताया हुआ है कि मैं टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर हूं गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉयड डेवलपर हूँ चैट बॉड्स डिवेलपमेंट करता हूँ टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और यहाँ पर देखें मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि मैं क्या क्या काम करता हूँ और आप मुझे क्यों कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस वाला सेक्शन एक्सपीरियंस सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिनके पास ऑलरेडी already... एक्सपीरियंस है जॉब्स का फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे इंटर्नशिप की कहीं पर आप लोगों ने कोई जॉब की तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इनपुट करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर ये यह है कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन को मिस नहीं करना ये देखें कि मैंने यहाँ पर अप अलर्ट के बारे में अपनी एक्सपीरियंस एड uh, किया हुआ है क्योंकि ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है फ्री की हेल्प करने के लिए तो यहाँ पर मैंने उसको मैंशन किया है और ये पॉइंट्स लिखे हैं जिससे क्लाइंट जो भी विजिटर्स आएंगे उनको पता चल जाएगा कि यह पलर्ट्स क्या है और मैंने इसमें क्या काम किया इसके है इसके अलावा मैंने स्किल्स मेंशन किए हुए हैं तो आप लोग भी प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे ऐड ए पोजीशन ऊपर जो है सारी इन्फॉर्मेशन देनी है इसकी राइटिंग कैसे करनी है टूल्स अवेलेबल हैं हेडलाइन uh, क्या कैसी होनी चाहिए ये हम बाकायदा करेंगे और इसके अलावा नेक्स्ट अगर आ जाए तो देखिए मैंने हर चीज़ के बारे में ऐड किया अगर आप फ़ाइबर पर काम कर रहे हैं आप फाइबर का जेनेरिकली मैंशन करें आप अगर अपवर्क पर काम कर रहे हैं एज ए फ्री लेंसर आप अपवर्क uh, एड कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई इशू नहीं है इसके अलावा आपने अगर क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट किए हैं वो भी कर सकते हैं अगर आपके क्लाइंट ने आपको अलाउ किया अगर आप लोग आप लोगों के क्लाइंट ने आपको अलाउ नहीं किया तो फिर आप लोग नहीं कर सकते ते आप उसकी परमिशन लेने के बाद इसको ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट मैंने एजुकेशन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है कि मैंने मोस्ट रिसेंट एजुकेशन कहाँ से ली इसके अलावा लाइसेंसिस एंड सर्टिफिकेट हैं अगर आप लोगों ने कोई सर्टिफिकेशन की हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे यूडेमी की सर्टिफिकेशन हैं एक्सेप्टेड हैं आपने देखा होगा कि डिजिटल गिराज के नाम से गूगल ने सर्टिफिकेशन दी हैं वो भी ऐड हो सकती हैं हर किस्म की आप सर्टिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कुछ के साथ वेरीफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप क्रिडेंशल्स अवेलेबल हैं तो आप क्रिडेंशल्स भी ऐड कर सकते हैं दैट्स नॉट एन इशू इसके अलावा मैंने अपने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हुए हैं ऑल दो मैंने रिसेंट प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं किए मगर आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं एक्सपीरियंसिस वाला सेक्शन जो है वो जॉब्स के मुतल हो गया यहाँ पर टॉप जो सेक्शन था लाइसेंसिस वाला एजुकेशन वाला उसके रिलेटेड यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट्स बताने हैं और ऑब्वियसली जितना आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे उतना ज्यादा सेल होंगे स्टेप बाय स्टेप मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बताने वाला हूँ इसके अलावा स्किल्स वाला एरिया यहाँ पर ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको सर्चिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी जो डिस्क्रिप्शन है आपकी हेडलाइन है आपका स्किल्स वाला एरिया ये जितने भी इंफॉर्मेशन हम इनपुट कर रहे हैं अपनी लिंकन की प्रोफाइल पर ये हमें रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उतने ज्यादा हमारे पास क्लाइंट्स आने के चांसेस हैं ये हमारे पास रिकमेंडेशंस वाला सेक्शन है ये बिल्कुल अपवर्क पर, पर जैसे टेस्टीमोनियल्स काम करते हैं वैसे ही काम करता है अगर आप लोगों ने किसी के साथ काम किया है तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक रिकमेंडेशन दे सो फॉर एग्जाम्पल आप प्लस के साइन पर क्लिक करें आस्क फॉर रिकमेंडेशन पर क्लिक करें और जिन लोगों के साथ आपने काम किया है उनको आप सर्च करें और उनको एक अच्छा सा मैसेज करें अब ये मैसेज आपने क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज लिखने के लिए मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा तो आप लोगों ने वेट कर लेना मगर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लेट्स सपोज हमारी प्रोफाइल पर जीरो रिकमेंडेशन हैं तो विजिटर्स हैं वो कम ट्रस्ट करेंगे अगर हमारी प्रोफाइल के ऊपर 10 रिकमेंडेशन हैं तो वो ज्यादा ट्रस्टवर्थी पर्सन होगा ऑब्वियसली लोग उसको हायर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन उस पर्सन को जिसके पास रिकमेंडेशन जीरो हैं और नेक्स्ट है कोर्सेज कोर्सेज की इंफॉर्मेशन में आपने बता सकते हैं कि आपने जो जो कोर्सेज़ पढ़े हैं देखिए मैंने अपनी बैचलर्स के अंदर जो जो कोर्सेज़ पढ़े थे वो मैंने यहाँ पर सारे ऐड किए हुए हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स में आपको कोई अगर अवॉर्ड मिले हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे लैंग्वेज में यहाँ पर आप बता सकते हैं आप जो जो लैंग्वेज बोलते हैं इंटरेस्ट में आपके पास वो वाली इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी कि आप जिनको फॉलो वगैरह कर रहे हैं दैट्स फाइन और फिर उसके बाद कॉजेज़ में आप जो भी कॉजेज आप सपोर्ट करते हैं जैसे मैं एजुकेशन हेल्थ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ तो मैंने यह, यहाँ पर ऐड किया आपके पास एक ओवर uh, था कि आपकी प्रोफाइल में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप लोगों ने प्रोफाइल सेक्शन कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी तो मेक श्योर sure करें कि इसको इन में भी विजिट करके चेक करें कि दूसरे लोगों को आपकी प्रोफाइल कैसी दिख रही है। अगर तो आपकी प्रोफाइल उनको आ, सही से नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग इज फाइन और यह भी हो सकता है कि जब आप अपनी प्रोफाइल इन में देखें तो आपको पता चले कि यार बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि विजिबल ही नहीं हो रही सो फॉर एग्जांपल यहां पर देखें कि मेरी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है कोई भी मेरी प्रोफाइल पे विजिट करेगा इवन अगर वो लिंकड का मेंबर नहीं भी है तो उसको ये वाली इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी मेरी वेबसाइट्स दिख रही हैं नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन आर्टिकल्स ये जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं एक्टिविटी एक्सपीरियंस तो इसका मतलब है कि इट्स ऑल गुड अदरवाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी ऐसी है जो विजिबल नहीं हो रही तो ऑबियसली फिर हम उसको फिक्स करेंगे सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाले न्यूज लेटर कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए कॉन्टेंट कहां से लेके आना है कैसे ये सब चलाना है इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा और अपनी प्रोफाइल पर एक और जो इंपॉर्टेंट सेटिंग आप लोगों ने कर लेनी है वो ये है कि आप लोगों ने अपना पब्लिक प्रोफाइल यू जो है वो सेट कर लेना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको एडिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि मेरी जो प्रोफाइल का पब्लिक यू है वो यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है अगर मैं एडिट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपना जो पब्लिक प्रोफाइल यू है वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि नेम के साथ अपनी सर्विस भी मेंशन कर देते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डेवलपर हूँ तो मैं लिख सकता हूँ शडील डैश डेवेलपर शील डैश चैट जीपी डैश एक्सपर्ट इस तरह से लिखने से भी आपकी एस में इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो अगर आप लोग नेम प्लस सर्विस करना चाहते हैं तो देट इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन आई विल सजेस्ट कि आप फर्स्ट नेम डैश अपनी सर्विस भी कर सकते हैं मगर इसको आप लोगों ने कोशिश करना है कि सेम ही रखना है बार बार इसको चेंज नहीं अगर आप सेम रखेंगे तो ऑब्वियसली सर्चिंग के अंदर ज्यादा फायदा होगा इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आप लोगों ने मेकश्योर sure करना है कि वो विजिबल हो वो ये है कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक हो आप यहाँ पर अगर स्क्रोल डाउन करें तो यहाँ से आ, सबसे पहले तो योर your... पब्लिक प्रोफाइल विजिबिलिटी को ऑन कर देना है और उसके अलावा इसको आपने चेक करना है पब्लिक नीचे देखें कि मैंने सभी चेक बॉक्सेस चेक किए हुए हैं अच्छा इससे नीचे देखें तो मैंने सभी टोगल बटन ऑन किए हुए हैं तो आप अपनी मर्जी से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप हाइड करना चाहते हैं इट्स अप टू यू तो आप हाइड कर सकते हैं बट आई सजेस्ट कि सजेस्टरी शुड बी पब्लिक ऑन योर प्रोफाइल बिकॉज हम चाहते हैं कि गूगल से भी हमें ट्रैफिक जो है वो वहां से मिल सके तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आपको अपनी प्रोफाइल को एज ए लैंडिंग पेज लेना है और लीड्स क्या होते हैं लीड जनरेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाया इसके अलावा आप लोगों को इंपॉर्टेंट ऑप्शन बताया जो सेक्शन है वो इंतहा इंपॉर्टेंट है और इनको हमने बहुत ख्याल से सेट करना है सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा देखा कि कौन कौन सी से सेटिंग आप लोगों को चेंज करनी है अब आने वाली वीडियो में हम इन सेक्शन को मजीद कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसके ऊपर बात करेंगे बिकॉज दिस इज आवर लैंडिंग पेज याद रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी विजिटर्स आएंगे उनको हमने अपने लीड्स में कन्वर्ट करना

केयर अल्लाफ